जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है बायोलॉजी का, 9th क्लास का। तो इसके अंदर मैं आपके साथ दो पार्ट शेयर करूंगा, एक है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट, एक है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे, बल्कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नंबरों से आपको कामयाब करे और कामयाबी आपके कदम चूमे, आमीन। तो उम्मीद है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आपको आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉर्फोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड सेल बायोलॉजी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री, डिस्क्राइब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुअली सीना, हाउ बायोलॉजी हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डिस्क्राइब द बायोस्फीयर लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, डिफरेंस बिटवीन डिटेक्शन एंड थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू कंट्रोल ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन हाइपोथाइसिस, डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, डिफाइन लॉ प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेंट एंड डेंजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन टॉक्सोनॉमिक एंड हायरार्की, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस्फीयर लेवल, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से इन्हें प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपको पेपर इसी के अंदर से आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड माइक्रोस्कोपी, व्हाई एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलम इज कॉल्ड रफ एंड स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलम, व्हाट इज फ्रेग्मोप्लास्ट, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर थायलाकोइड्स, डिफाइन सेल साइकिल, व्हाट इज मीन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज कोएंजाइम्स एंड फंक्शन, राइट एनी फोर सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज इंड्यूस फिट मॉडल, डिफाइन एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिफाइन एरोबिक रिस्पिरेशन, व्हाट इज क्रब्स साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, राइट एनी टू रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन, व्हाट इज ब्लड, राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी के अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट अ नोट और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लेन एनी फोर। ये कई बार आपको पेपर के अंदर आ चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी जरूर आएगा। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। व्हाट आर प्लास्टिड्स, गिव देयर डिफरेंट टाइप्स, राइट देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास सर राइट डाउन द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्राइब द फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ सम मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये भी कई बार आपको पेपर के अंदर आ चुका है, बोर्ड के अंदर आप पीछे अगर देखें तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सर राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय द एटीपी, राइट सम ऑफ फंक्शन, ऑल्सो राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बता दूं कि आपने इनके साथ इनकी डायग्राम्स भी बनानी है, जिसके साथ आपको डायग्राम दी गई है और जिसकी एग्जाम्पल्स आपने अच्छे तरीके से लाजमी देनी है, ताकि आपको पूरे मार्क्स एग्जामिनर दे सके। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नेशियम इन प्लांट्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, राइट अ नोट ऑन वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन डाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड ग्रुप्स, हाउ डू यू क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स इन टर्म ऑफ AOB एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर के अंदर आ चुका है। हमारे पास आता है व्हाट इज मीन बाय द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिस्क्राइब इट्स कॉसेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड रिलेटेड इट विद सेल सर्फेस एंड विद स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी।
अगर फिर भी किसी को समझ ना लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे अपनी शेयर कर दी है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। और वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी आपकी वजह से अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं गेस्ट पेपर्स वगैरह की वीडियोस डाला करूँ आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी सबसे पहले कर सके। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समय लगी होगी, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।